55 टन ग्रॉस व्हीकल वेट। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन सेटअप देखने को मिल जाता है, स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल है, ठीक है, एसी वगैरह भी यहाँ पे अपडेट कर दिए गए। नींद आ गई तो अब यहाँ पे अलार्म सिस्टम आपको दे ही दिया है कंपनी ने। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, होप सब बढ़िया कर रहे होंगे। जितने भी मैंने ट्रक रिव्यू अभी तक अपने चैनल पे पोस्ट किए ना, हर एक वीडियो का आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा का सिग्नल लाइन का 5530 वेरिएंट, 5530 वेरिएंट, और जो कि हमारे पीछे खड़ी है। अब समय के साथ टाटा कमर्शियल ने, मतलब टाटा ग्रुप ने जो कमर्शियल गाड़ियों में है, इतने ज्यादा हाईटेक एडवांस फीचर डाल रखे हैं सेफ्टी के रिलेटेड कि मजा आ जाता है देखने में। लगती नहीं कि ट्रक के अंदर से एकदम एसयूवी वाली फील आती है अगर आप देखोगे तो सारी चीज इस वीडियो में मैं आपको 5530 के बारे में बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड इन वीडियो। ओके, सो एज यूजुअल हम चाबी से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को मिलता है, थोड़े से डॉटेड पैटर्न है। ये गाड़ी की आपकी मेन चाबी होगी, बाकी तमाम तरह के लॉक है गाड़ी में, उसके लिए आपको अलग से चाबी देखने को मिलती है। बट इससे पहले वीडियो आगे बढ़े, स्पेशल थैंक्स टू दादा टाटा मोटर जिन्होंने हमें ये गाड़ी प्रोवाइड की। शोरूम की डिटेल्स है मेहंदीपुर पंजाब, तो अगर आप पंजाब से हो तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ये जीटी रोड है, तो जस्ट इसके अपोजिट में ही शोरूम है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी डाल रखा, तो कुछ भी आपकी क्वेरीज है ना तो उस नंबर पर आप कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हो। तो अब बात करते हैं गाड़ी में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो बात अगर देश का लोहा को ना, तो आप देख सकते हो बिल्कुल लोखंड हार्ड एकदम बंपर दे रखा है इन्होंने। यहाँ टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा, टाटा की ब्रांडिंग है, सिग्ना की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। वाइपर वॉशर फुल आपको देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे पार्किंग लैंप आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको पार्किंग लैंप रखे गए, हैलोजन सेटअप में ही लाइट्स हैं, इंडिकेटर आपको बल्ब टाइप में रखे गए। बात करें अब ये क्योंकि BS6 हो गई है, तो इसके इंजन की बात करें तो 6.7 लीटर का क्यूमिंस BS6 डीजल इंजन है, जो कि आपको प्रोड्यूस करता है 300 हॉर्स पावर और 1100 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। जनरली हमने कार वगैरह में तो 300-400 तक ही सीमित रह जाते हैं, बट यहाँ पे आपको 1100 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देखने को मिलता है। गाड़ी की जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 55 टन पे पास है। बाकी पेलोड वगैरह की बात करते हैं आगे चलते हैं वीडियो में। तो बाकी टायर साइज की बात करें यहाँ पे तो 295/90 R20 इंच का आपको यहाँ पे टायर देखने को मिलते हैं। टायर ही इतने बड़े हैं, मतलब मेरे इस हाइट तक आ जा रहे हैं भाई। और ये रेडियल टायर हैं। और फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो 365 लीटर का डीजल टैंक है, और 192 लीटर का मॉडिफाई करा सकते हो अलग से, जो कि एंटी थेफ्ट के साथ आएगा, जैसे फ्यूल वगैरह चोरी नहीं होगी। यहाँ पे DF का आपको यहाँ पे टैंक रखा गया है, और लेटर ऑन फ्रेम चेसिस जानदार लोहा के साथ। बाकी एयर फिल्टर आपको यहाँ पे रखे गए हैं, शीशे वगैरह आपको यहाँ पे दी जाते हैं फॉर प्रॉपर विजिबिलिटी। ड्राइवर साहब को कोई दिक्कत ना हो ना फ्रंट को लेके विजिबिलिटी में, चाहे साइड से, तो प्रॉपर आपको हर एक जगह ORVM लगाया गया है। आप यहाँ पे भी देखो, मतलब इस पार्ट का आपको पूरा अंदाजा यहाँ पे सामने का मिलते रहेगा। ड्राइवर साहब को कोई परेशानी नहीं होगी। रिफ्लेक्टर है एज अ सेफ्टी, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में रिफ्लेक्टर कंपलसरी होता है। ये चीज़ें बाकी आपकी फाइबर में हो गई, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कट्स मतलब डिजाइन वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 5530 का आपको ब्रांडिंग है, टाटा मोटर फ्लेट एज यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। व्हील आर्चेस आप देख सकते हो काफी बड़े हैं। फ्यूल टैंक वगैरह बता दी, यहाँ पे एग्जॉस्ट आपका हो गया। आगे पीछे दोनों में आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलती है, और पीछे टायर साइज आप देख सकते हो, मतलब सेम टायर साइज है। भाई पीछे की बात करें तो आपको LED सेटअप में यहाँ पे लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और एक्चुअली ये बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। मतलब फॉग कंडीशन में ना LED टाइप के ज्यादा विजिबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू बल्ब टाइप के, तो ये मुझे चीज यहाँ पे बढ़िया लगी। स्टॉपर वगैरह इन्होंने दे रखा है अगर गाड़ी पंचर वगैरह हो जाएगी। अब इसकी बात करें एप्लीकेशन की, तो अलग अलग एप्लीकेशन है इसके एक्चुअली। तो कोई इसे टिपर में यूज करेगा, कोई इसे डेक में यूज करेगा, कोई कार और जो बाइक लाने में यूज होता है उस टाइप का यूज करेगा। तो जैसे आपकी नीड है उस अकॉर्डिंग आप इसे यूज ले सकते हो। प्राइस वगैरह इस वीडियो में मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करते रहती है, तो एग्जैक्ट आइडिया आपको तभी पता चल पाएगा जब इस नंबर पर आप कॉल करके पूछोगे, क्योंकि रिसेंट प्राइस आप जान पाओगे। क्योंकि आज मैं वीडियो डालूं आप कब देखोगे, तो हो सके कि प्राइस वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, इसलिए मैं प्राइस नहीं बता रहा हूँ। बाकी नेट वगैरह तो आप सर्च कर सकते हो, प्राइस तो ऐसे आ ही जाती है। बाकी यहाँ पे बैटरी के लिए आपको रखा गया, मतलब प्लग जो है ऑन ऑफ करोगे तो बैटरी कनेक्शन चालू हो जाती है। स्पेयर व्हील आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे फिटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी एयर प्रेशर यहाँ पे जो रखा गया, सारी चीज़ें हैं। इंडिकेटर आपको यहाँ साइड में देखने को मिल जाते हैं, अगेन आपको वहाँ पे ORVM देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कहानी बाहर से। अब चलते अंदर में, बहुत सारे बदलाव किए गए सेफ्टी फीचर के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें हम अंदर चल के बात करते हैं। और सबसे बड़ा फील तो इसके अंदर चढ़ने में है भाई। यहाँ पर देखो, इससे मैंने खोला, ओहो शानदार, ज़बरदस्त मतलब फील आ जाती है। और यहाँ पे बात करें तो मैनुअल आपको विंडो ऑपरेट करनी पड़ेंगे, लॉक सिस्टम है। यहाँ पे थोड़े से स्पेस दिए गए हैं, यहाँ पे आप बॉटल वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह आपकी सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे देखो, ड्राइवर को चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ड्राइवर साहब परेशान ज़्यादा ना हो, इसलिए यहाँ पे आपको 3-स्टेप वे आपको यहाँ पे फुटरेस्ट रखा गया है, जिससे आप इजिली एक्सेस कर पाओगे अपने कैबिन में। आप कैबिन में चल के सारी चीज़ें हम बात करते हैं।
ओके, तो मैं आ चुका हूँ अभी कैबिन के अंदर और आप देखो कैबिन पहले से बदल दी गई है। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन सेटअप देखने को मिल जाता है, स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल है, तमाम तरह के फीचर है, तो बिल्कुल एसयूवी वाली फील आ रही है कि नहीं मुझे एक बार आप जरूर बताना ड्राइवर भाई लोग या जो भी गाड़ी लेने वाले। तो काफी सारे अपडेट कर दिए गए, एसी वगैरह भी यहाँ पे अपडेट कर दिए गए। अब क्योंकि मेरी हाइट है 5'9", जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता ही देता हूँ, तो इस हिसाब से देखो अच्छा खासा यहाँ पे आपको हेडरूम देखने को मिल जाता है, कंफर्टेबल राइड आप लेने वाले हो इसमें मतलब। और ये जब गाड़ी जर्क वगैरह में जाती है ना, तो इस सीट में ना एक्चुअली एक फंक्शन रखा गया है कुशन टाइप का, जैसे आप देखो तो ये ऊपर नीचे होने लगते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं। और ये क्योंकि अब रिक्लाइन डिक्लाइन भी होते हैं, आगे पीछे भी होते हैं, तो जैसे चाहो आप इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, ज्यादा परेशानी ना हो आपको। तो स्पेस वगैरह आप देख लो, बिल्कुल एरी फील होता है, आपको घुटन महसूस नहीं होगी, जो कि थीम इन्होंने दे रखा है व्हाइट का, तो आपको बहुत ज्यादा एरी फील होगी। वहां पे शीशे हैं, पीछे में शीशे हैं, तो घुटन तो महसूस होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं क्या कुछ है, तो सबसे पहले यहां से बात कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखो स्पीड लिमिट आपको 80 किलोमीटर पर आवर रखी गई, जो कि इंडिया में कमर्शियल गाड़ियों की जिस स्पीड लिमिट है वो 80 रखी है। अब यहां पे बात करते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहां पे गाड़ी को एक बार ऑन करते हैं। तो जब आप पहली बार ऑन करोगे गाड़ी को, तो कुछ इस तरह के लोगों के साथ आपको कुछ इस तरह की साउंड आने वाली है। ये बीप बीप की साउंड तो और फील दिला देती है बाय गॉड कसम से। यहाँ पे बात करें आरपीएम मीटर आपको देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर मीटर है, फ्यूल मीटर हो गया, यहाँ पे स्पीडो मीटर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बात करें तो छोटा सा एमआईडी जिसमें आपको तमाम तरह की जानकारियां देखने को मिलेंगी, जैसे आपको यहाँ पे जो लेफ्ट और जो राइट का है जो एयर बार है प्रेशर है वो यहाँ पे इंडिकेट करता रहेगा। यहाँ पे बात कर बैटरी वोल्ट शो का, न्यूट्रल में गाड़ी ये चीज़ें यहाँ पे शो कर रही है, बाकी मोड्स वगैरह में यहाँ पे जाते तो एवरेज एएफई बता रहा है, इंजन आवर बता रहा है, यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पे सारी चीज़ें ये चीज़ बता रही है, बाकी ओडोमीटर आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार आप यहाँ पे, मैं गाड़ी को बंद करता हूँ और एक बार आप इंफॉर्मेशन लेना क्या क्या आता है। तमाम तरह के आपको यहाँ पे वार्निंग लाइट्स भी देखने को मिल जाते हैं और ये देखने में रात में और प्यारा लगता है, जब आप इसे देखोगे ना व्हाइट में रेड थीम तो जबरदस्त लगता है। यहाँ पे बात करें तो लाइट्स वगैरह के आपको कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप पास वगैरह दे सकते हैं। और साथ ही साथ नई चीज जो है, यहाँ पे आप देखो क्रूज कंट्रोल आ गया है, मतलब आप ड्राइवर भाई हाईवे पे चल रहे ना, तो लगातार आपको एक्सेलेटर पेडल दबा के रखने की जरूरत नहीं, इसे आप सेट कर दो 60 किलोमीटर पर आवर पे, 60 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे ये गाड़ी चलते रहेगी। बाकी रीसेट वगैरह करना है तो इस बटन से आप यहाँ पे कर सकते हो। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, तो ज़्यादा आपको फ़ोन से गाने वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, फ़ोन वगैरह उठाना तो आप यहीं से उठा सकते हो, बस करना क्या है कि ब्लूटूथ से आपको फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। यहाँ बात करें टच स्क्रीन में क्या क्या है, म्यूजिक है, फ़ोन है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, स्क्रीन इन्फॉर्मेशन है, तो ये टायर प्रेशर आ रही है देखो, मतलब कार वाली फीचर है कि नहीं ये बताना मुझे, हर एक चक्के में आपकी कितनी हवा, ये सारी चीज़ें बता देंगे, एक्सेलेरेशन सेटिंग, व्हीकल हेल्थ कैसी है, बैटरी वगैरह जो भी है इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे गैदर कर सकते हो, पैरामीटर्स क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और बात करें क्या सेटिंग्स वगैरह में जाते हैं हम यहाँ पे, तो जनरल, फ़ोन, वॉल्यूम, ऑडियो, या आप यहाँ से जो बेस कितना रखना है ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जो भी ड्राइवर भाई हमारे गाड़ी चलाएंगे ये सारी चीज़ें वो एडजस्ट कर लेंगे, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत हाईटेक है तो चीज़ों को समझने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी उनको, ऐसा कुछ नहीं है, ईजिली यूज़ कर पाएंगे। होम है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शॉर्टकट बटन भी देखने को मिल जाते हैं, यूएसबी के आपको यहाँ पर बटन है प्रिंटर वगैरह लगाने के लिए। तो बाकी यहाँ पर बात करें सुविधा के लिए, तो आप एक चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पर यूएसबी टाइप चार्जिंग सॉकेट है। बाकी यहाँ पर बात करें तो तमाम तरह के आपको वार्निंग बटन देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये हजार्ड लैंप का बटन हो गया। तो एक रिक्वेस्ट है मेरे ट्रक भाइयों से कि आप इसे चलते दौरान ना चलाएं, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन और टायर पंचर हो गई उस कंडीशन में आप इसे जला के जरूर रखें, चाहे गाड़ी कहीं साइड में पार्क करे हाईवे के, तो इस कंडीशन में इसे जला के रखें, वरना मैं बहुत बार देखता हूँ कि गाड़ी लेके जा रहे हैं और ये जलाते हुए जा रहे हैं, तो ये चीज़ रॉन्ग है, एक रिक्वेस्ट है मेरे ड्राइवर भाइयों से। यहाँ पे बात करें तो लाइट्स बोल रहा हूँ, गाड़ी अगर लाइट मोड में चलानी है तो आप यहाँ पे लाइट मोड यूज़ कर सकते हो, मीडियम में तो मीडियम, हैवी में चलानी है तो आप हैवी मोड यूज़ कर सकते हो। इंजन ब्रेकिंग आपको देखने को मिल जाती है, बाकी इंजन वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से इस चीज़ को प्रेस करके लाइट्स वगैरह जला सकते हो जो कि नीचे है। और यहाँ पे बात करें तो जो हिल डिसेंट कंट्रोल होती है, जैसे गाड़ी जब पहाड़ों पे चढ़ती है और जब गाड़ी पीछे आने लगती है ना, तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे एक बटन दे रखा है, जैसे एक्सेलेटर आप छोड़ते हो, सॉरी ब्रेक छोड़ते हो, तो गाड़ी पीछे डलने लगती है, बट इस बटन को प्रेस करने से ना, सिंपल भाषा में बात करें तो गाड़ी थोड़ी देर वहीं पर टिकी रहेगी ताकि एक्सेलेरेशन देने का आपको मौका मिल सके। बाकी गियर वगैरह की बात कर लेते हैं तो 8 गियर आपको देखने को मिल जाते हैं, एक रिवर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है, और यहाँ पे आप गौर करोगे तो यहाँ पे एल आ रहा है, यानी लो गियर, जैसे कि अगर आपको एक गियर से भी कम में चलना है ना, सपोज कई बार होता है कि माइनिंग साइड पे जब गाड़ी जाती है तो एक गियर से भी कम की जरूरत पड़ती है क्योंकि गाड़ी में बहुत ज्यादा लोड होता है, तो उस कंडीशन में आप एल मोड में गाड़ी को
खींच सकते हो, जबरदस्त पावर आती है। और एक काम की चीज जो कि आपको मैं बताना ही भूल गया, सॉरी कैमरा आउट ऑफ फोकस हो जा रहा है बार बार, यहाँ पर आप देखो एक ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये बहुत तगड़ी फीचर है। ये फीचर क्या है कि जैसे ड्राइवर भाई हमारे गाड़ी चलाते हैं ना, वैसे तो बहुत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, मुझे ट्रक ड्राइवर से ज़्यादा शिकायत नहीं होती, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से गाड़ी चलाते हैं वो, कार वगैरह तो बाइक वगैरह ही कट ज़्यादा मारते हैं, बट ये रिस्पॉन्सिबल चलते हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर होते हैं जो ऐसे चलते हैं, बट कुछ की वजह से पूरी कम्युनिटी को हम मतलब ख़राब नहीं कह सकते, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से चलते हैं। एग्री हो कि नहीं एक बार मुझे आप ज़रूर बताना जो भी वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखो ये है ड्राइवर मॉनिटर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जैसे जो गाड़ी चला रहे हैं, जैसे ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, अगर उसको नींद आने लगेगी मतलब पलक झपकने लगेगी, तो ये सेंस करके एक अलार्म क्रिएट करेगा गाड़ी में जिससे नींद खुल जाएगी। तो ये एक सेफ्टी फीचर है टाटा की तरफ से, बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगी। और एक बढ़िया चीज़ और हो सकती थी टाटा मोटर से, मेरी ये एक्चुअली रिक्वेस्ट है कि ये जो ग्लव बॉक्स है ये तो उन्होंने दे रखा डिसेंट साइड का, बट ठीक है, यहाँ पे एक लॉक मैकेनिज्म देना चाहिए था ताकि कुछ भी जो कीमती सामान है उनका वो यहाँ पर रखकर लॉक कर सके। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके जब नेक्स्ट गाड़ी आए तो हो सके वो अपडेट कर दे, बट एक्चुअली ये मेरे उनसे रिक्वेस्ट है। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है, उस साइड भी आपको को ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, लाइट्स वगैरह आपको LED सेटअप में रखी गई तो बढ़िया है। बाकी तो मॉडिफिकेशन होते रहते हैं इसके अंदर, यहाँ पे बक्सा लग जाता है, इधर पे लाइट लग जाती है, चार्जर वाजर सब लग जाते हैं इस अंदर में, और क्योंकि ट्रक है तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, सोने के लिए भी आपको यहाँ पे स्पेस रखी गई। और एक अच्छी चीज़ है सेफ्टी के, तो लेजर से यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है। और इस चीज़ को आप हटा के ना, मतलब अगर प्लास्टिक हटी रहते मैं आपको दिखाता, यहाँ पे एक टेबल इन्होंने दे रखा है, तो इस चीज़ को उठा के आप टेबल यहाँ पे बना सकते हो जिसमें आप खाना वगैरह बना सकते हो या फिर खाना खा सकते हो, सो सकते हो, आराम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। और ये फाइबर टाइप में आपको रखा गया, तो गंदा हो तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, सर्फ ले, शैम्पू ले, थोड़ा सा गीले कपड़े से मार दे, इंटीरियर बिल्कुल क्लीन हो जाने वाला है। और यहाँ पे बात करें तो पेडल्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाते हैं, क्लच ब्रेक और ये एक्सेलेटर ABS गाड़ी में आती है, सेफ्टी के मामले में और कुछ नहीं है, एयरबैग वगैरह कंपनी ने नहीं दिए। यहाँ पे हॉर्न हो गई, हॉर्न यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आपको सिग्नल के यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं उस तरफ चल के, अब उस तरफ क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रक में स्पेस ही स्पेस है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है बॉटल होल्डर के लिए। टाटा के लोगों यहाँ पे को ड्राइवर अपने फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, छोटे बहुत चीज़ें रख सकते हैं, AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे भी स्पेस है। और ये थोड़ा सा रबराइज टाइप का है, फोन वगैरह रखेंगे तो गिरेगा नहीं। बाकी यहाँ पे कोई ग्लव बॉक्स वगैरह नहीं है, और इस तरफ से कुछ इस तरह का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। और जो को ड्राइवर बैठेंगे उनके विजिबिलिटी के लिए भी कोई परेशानी ना हो, यहाँ पे आपको ओवर व्हीम रखे गए जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे जो 24 आवर्स सारा कुछ लिखा है, म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि अभी ब्लूटूथ से मैं कनेक्ट कर नहीं सकता इसलिए मैं अभी वो आपको गाना सुना के नहीं दिखा रहा, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगी। तब बाकी इंजन वगैरह खोलना तो आप यहाँ से इस चीज़ को हटा के कर ही सकते हो, और माफ़ करना मैं ऐसे जा रहा हूँ, और क्योंकि ऑप्शन नहीं है उधर से आने के लिए ज़्यादा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। और बात करें यहाँ पे क्या है, ये जो बटन्स है ये एक्सट्रीम कंडीशन में यूज़ करने के लिए, इसलिए टाटा मोटर्स ने इसे लॉक करके रखा है। ये बटन आप अगर आप देखो तो ये तो हेल्प के लिए हो गया आपका यहाँ पे बटन, ठीक है, अगर आप कुछ हेल्प चाहिए तो हेडलाइट लेवलर यहाँ पे हो गया, ये बेसिकली रीजनरेशन मेथड के लिए है। जैसे जब जो पार्टिकल्स होते हैं डीजल में जैसे होता है कुछ, तो वो जब जम जाते हैं तो आप सिंपली क्या किया करो ना कि थोड़ा सा खाली कहीं पे जगह में जाके गाड़ी को थोड़ा सा रेस कर दिया करो थोड़ी देर तक, 10-15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जो भी है, तो ये लाइट्स वगैरह जो चली जाती हैं यहाँ पे, जो रीजनरेशन की लाइट्स वगैरह आती हैं। बाकी यहाँ पे वाइपर्स का कंट्रोल है, अच्छी चीज़ ये है कि आप इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों देखने को मिल रहा है, तो जैसे आप चाहो आगे पीछे ऊपर नीचे स्टीयरिंग व्हील को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो कंफर्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई है टाटा मोटर्स की तरफ से, कंफर्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाती है। इस चीज़ में तो आप खैर मॉडिफिकेशन करा भी सकते हो, मतलब लेदर लगा सकते हो या जो भी स्टीयरिंग कवर आपको पसंद हो वो लगा के कंफर्टेबल और बन जाएगी। गाड़ी को स्टार्ट करता हूं, एक बार इंजन नॉइज़ भी सुना देता हूं। ये जो बीच बीच में छिस छिस जो आवाज़ करती है ना, कसम से भाई फील आ जाता है। बाकी FM वगैरह यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी रिव्यू आपको पसंद आई, पसंद है तो जरूर लाइक करें, जब भी गाड़ी चलाए सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें, बाइक राइडिंग दौरान हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। और बातों बातों में एक चीज आपको बताना भूल गए, यहाँ पे आपको सैनिटाइजर वगैरह देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड, नींद आ गई तो अब यहाँ पे अलार्म सिस्टम आपको दे ही दिया है कंपनी ने, टेंशन की बात ही खत्म हो गई है। बिंदास गाड़ी लेके जाए, लंबी जर्नी करें, लंबा मोटा पैसा कमाए, मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर।